हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। ये फिर थर्ड ईयर इंडियन एस्थेटिक्स 302 कॉर्ड। तो आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब ये आपका नेक्स्ट चैप्टर ही है, ध्वनि सिद्धांत द ध्वनि स्कूल। ठीक है, तो आपके चैप्टर कंप्लीट हो गए, ये आपका थर्ड चैप्टर है। तो इसमें पहले आपका टॉपिक है परिचय। भारतीय वर्ण्य के में काव्य शास्त्र को सौंदर्य शास्त्र यानी एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र को हम एस्थेटिक्स कहते हैं, वो आपको भी पता है जो हम पढ़ रहे हैं, ये सौंदर्य शास्त्र ही है, इसको एस्थेटिक्स कहते हैं, के आधारशिला माना गया है। जो मतलब सौंदर्य शास्त्र है उसको, काव्य शास्त्र को सौंदर्य शास्त्र के आधारशिला माना गया है। ठीक है, काव्य में सौंदर्य के विविध रूप आते हैं, यानी जो हमारी कविताएं होती हैं जैसे पोइट्री है, इसमें काव्य में सौंदर्य के अलग अलग रूप आते हैं, विविध रूप आते हैं, जैसे अलंकार, ध्वनि, रस, गुण, औचित्य आदि। जो हम ये आपका पिछला चैप्टर पढ़ चुके हैं, ये विविध रूप ही थे, हमने अलंकार भी पढ़ा है, ठीक है, ध्वनि अब आप पढ़ रहे हो, रस पढ़ा है, ठीक है, गुण आप उसमें पढ़ चुके हो, औचित्य रह गया है आपका, वो भी हो जाएगा आदि। ठीक है, कुंतक ने साहित्य में सौंदर्य की विस्तृत विवेचना दी है। जो कुंतक है, ये नाम है, इन्होंने साहित्य में सौंदर्य की विस्तृत विवेचना दी है। उनके अनुसार सौंदर्य आत्मगत है, यानी आत्मा से जुड़ा हुआ है जो सौंदर्य है। सौंदर्य की अभिव्यक्ति आत्मा की अभिव्यक्ति है। सौंदर्य की जो अभिव्यक्ति है, जो हम व्यक्त करते हैं, वो आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। सौंदर्य दर्शन को दो रूपों में, रस और अलंकार माना है, यानी जो सौंदर्य दर्शन है उसको दो रूपों में माना है, और वो कौन से हैं दो, रस और अलंकार। ठीक है, परिचय में ही है ये। रस सौंदर्य का उन्नत रूप उसकी आत्मा, जो रस सौंदर्य का उन्नत रूप उसकी आत्मा है। ठीक है, ललित कलाओं में रस आनंद के रूप में प्रकट होता है। जो ललित कलाएं हैं हमारी, उसमें रस जो है वो आनंद के रूप में प्रकट होता है, क्योंकि रस जो है वो आनंद ही है। ठीक है, रस यदि आत्मा है तो ध्वनि, अलंकार आदि उसके ऊपरी रूप या सजावट। मतलब इसमें ये बताया है कि जो रस है, तो इसमें जैसे ये बताया कि रस आनंद के रूप में प्रकट होता है, तो रस यदि आत्मा है तो ध्वनि, अलंकार आदि उसके ऊपरी रूप या सजावट है। ठीक है, मतलब जो ध्वनि अलंकार है वो उसके ऊपरी रूप और सजावट है। भरत मुनि के बाद से सौंदर्य में रस का बोलबाला रहा। मतलब भरत मुनि जब नहीं रहते, भरत मुनि के बाद से ही तो सौंदर्य में रस का बोलबाला रहा है। मतलब उनका रस का ज़्यादा बोलबाला, बोल चल रही थी, ज़्यादा नाम हुआ था रस का। इसके बाद आया ध्वनि संप्रदाय। ठीक है, इस संप्रदाय के अनुसार काव्य संगीत आदि की आत्मा है ध्वनि, यानी जो काव्य संगीत है उनकी आत्मा क्या है, ध्वनि। ठीक है, इस संप्रदाय के अनुसार भरत मुनि के बाद भारतीय काव्य शास्त्र में आनंदवर्धन ऐसे श्रेष्ठ आचार्य हुए। जो भरत मुनि हैं उनके बाद भारतीय काव्य शास्त्र में, जो हम ये पढ़ रहे हैं काव्य शास्त्र, उसमें आनंदवर्धन, आनंदवर्धन के बारे में आगे आएगा। इसमें आनंदवर्धन है आपका, अभिनव गुप्त है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, और एक और है ममत। ये तीन हैं जो ध्वनि सिद्धांत के अंदर आते हैं। ठीक है, तो भरत मुनि के बाद भारतीय काव्य शास्त्र में आनंदवर्धन ऐसे श्रेष्ठ आचार्य हुए, यानी आनंदवर्धन श्रेष्ठ आचार्य थे इसमें, जिन्होंने मौलिक प्रतिभा का परिचय देते हुए अपनी प्रसिद्ध ध्वनि सिद्धांत दिया। यानी उन्होंने अपनी जो उनकी प्रतिभा थी उसका परिचय देते हुए अपनी प्रसिद्ध ध्वनि सिद्धांत दिया। ध्वनि सिद्धांत काव्य में अभिधा, लक्षणा और व्यंजना के महत्व को स्पष्ट करता है। ठीक है, जो ध्वनि सिद्धांत है वो काव्य में अभिधा, लक्षणा और व्यंजना के महत्व को स्पष्ट करता है, यानी जो ये तीन है इनके तीनों के महत्व को वो स्पष्ट करता है। ठीक है, यहाँ ध्वनि सिद्धांत पर ही विचार होगा। मतलब जो हम ये पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये बताया है कि यहाँ पे हम ध्वनि सिद्धांत के बारे में ही विचार करेंगे। नेक्स्ट है, अब आपका वो परिचय था, अगर जैसे ध्वनि के बारे में पूछते हैं तो पहले आपको परिचय लिखना है, फिर ध्वनि क्या है,
अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ध्वनि क्या है। ध्वनि का संबंध नाद से है, ठीक है। और नाद क्या है, नाद का अर्थ केवल आवाज़ बिना विभिन्नता की सादी सरल घोष या निनाद। नाद से ध्वनि बनती है, यानी जो नाद है वो जैसे ये आवाज़ होगी आपकी, है ना, तो मतलब ध्वनि क्या है, आवाज़ से ही तो जुड़ी हुई है, तो इसको शुद्ध हिंदी में नाद बोलते हैं, ठीक है। तो नाद का अर्थ इन्होंने क्या बताया, केवल आवाज़ या बिना विभिन्नता की सादी सरल घोष या निनाद, ठीक है। नाद से ध्वनि बनती है, यानी नाद से ही ध्वनि बनती है जो सुर निकलते हैं, ठीक है। नाद में जब विशिष्टता आती है, भेद बनते हैं, तो उसे ध्वनि कहा जाता है। यानी नाद में जब जो आवाज़ निकलती है तो उसमें जो विशिष्टता आता है, यानी जो अलग अलग उसमें विशिष्टता आती है, तो उससे जो भेद बनते हैं, ठीक है, उसे ध्वनि कहा जाता है। आदि में संसार में जो नाद व्याप्त था, यानी आदि इन सब में संसार में जो नाद व्याप्त था उसे ब्रह्मनाद कहते हैं, ठीक है। नाद से अक्षर, अक्षर से शब्द बनते हैं, यानी नाद से ही हम कोई अक्षर बनाते हैं, यानी जो हम बोलते हैं, और अक्षर से फिर क्या बनता है, अक्षर से शब्द बनते हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे व्याकरण में यूज़ करते हैं शब्द, ठीक है। तो नाद से अक्षर बनते हैं और अक्षर से नाद शब्द बनते हैं। और शब्द अपने में अर्थ के लिए रहते हैं, यानी जो शब्द, जो भी हम शब्द बोल रहे हैं, तो उनका कुछ ना कुछ अर्थ तो होता ही है, हम बिना मतलब के तो कोई यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि शब्द जो है वो अपने में अर्थ के लिए रहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में है ये, कि जो ध्वनि है उसका संबंध नाद से बनाया इन्होंने बताया है। और नाद क्या है, वो जैसे आवाज़ है आपकी, विभिन्न बिना विभिन्नता की सादी सरल घोष या निनाद, ये सब अलग अलग नाम है इनके, ठीक है। और नाद से ही ध्वनि बनती है, ठीक है। और जो जब विशिष्टता आती है उसमें जो भेद बनते हैं तो उसे ध्वनि कहा जाता है। नाद के आठ प्रकार बताए गए, ठीक है। नाद के इन्होंने आठ प्रकार बताए हैं, स्वच्छंद तंत्र, घोष, रव, सुवान, शब्द, स्फोट, ध्वनि। ये सारे नाद के प्रकार हैं, जैसे ध्वनि है, आवाज़ ही होगी, है ना, शब्द हो गया हमारा, ठीक है। जैसे घोष है, रव, सुवान, स्फोट, ये सारे नाम हैं नाद के, झनकार, ध्वनिक, ठीक है, सारे टोटल नाम है, ये आठ नाम है, इनको याद रखना आप। ध्वनि और झनकार साहित्य में व संगीत में महत्वपूर्ण है, यानी जो ध्वनि है और जो झनकार है, तो ये हमारे किस में, मतलब झनकार किस चीज़ में ज़्यादा यूज़ होता है, साहित्य में और संगीत में, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो जो ध्वनि और जो झनकार है वो साहित्य में और संगीत में महत्वपूर्ण होते हैं, वो उसमें ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। नाद का उपयोग दो प्रकार से होता है, ठीक है। नाद का उपयोग उन्होंने दो प्रकार से बताया है, यानी ध्वनि का, शब्द के रूप में और स्वर के रूप में, ठीक है। एक तो जो आम शब्द यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब नाद जो है वो ध्वनि ही है, शब्द के रूप में ही हम जब कुछ भी बोल रहे हैं तो वो भी आपका ध्वनि ही हो गया, ठीक है। और दूसरा स्वर के रूप में, जो स्वर निकलता है, ठीक है। तो दोनों हो गए, ये शब्द के रूप में और स्वर के रूप में। स्वर संगीत में आते हैं, जैसे आप कोई भी संगीत, कोई म्यूज़िक गा रहे हो, बजा रहे हो, तो वो स्वर से ही तो होता है कि किस चीज़ का कैसा स्वर निकल रहा है ना, तो वो स्वर के रूप में होता है। और जो स्वर है वो संगीत में आते हैं, मतलब शब्द के रूप में और स्वर के रूप में आते हैं, ये जो स्वर है वो संगीत में आते हैं और जो शब्द है वो साहित्य में आते हैं। यानी जैसे पोइट्री होगी आपकी, साहित्य होगी, तो वो सब तो हम साहित्य में यूज़ करते हैं, और जो संगीत होता है वो हम स्वर में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से स्वर संगीत में आते हैं और शब्द साहित्य में आते हैं, ठीक है। ध्वनि का उपयोग व्याकरण से आता है, तो जो ध्वनि है उसका उपयोग व्याकरण से आता है। भौतिक स्तर पर नाद बाहर से उत्पन्न ध्वनि तरंगे, जो भौतिक स्तर पर इन्होंने नाद बताया, वो बाहर से उत्पन्न ध्वनि तरंगे, यानी जो बाहर से उत्पन्न होती हैं, जो जैसे व्यक्ति के श्रवण तंत्र में प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, यही ध्वनि है ना। मतलब जो व्यक्ति का श्रवण तंत्र है उसमें जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है वही ध्वनि है, ठीक है। ध्वनि को तरंगों के रूप में मापना संभव है, जो ध्वनि है उसको हम तरंगों के रूप में मापना, मतलब उसको संभव है। तो उसने जो बताया कि ध्वनि को तरंगों के रूप में मापना संभव है, उसको माप सकते हैं। जैसे ये माप आवृत्ति और विस्तार के रूप में होता है, तीव्रता डेसिबल में नापी जाती है, ठीक है, ये डेसिबल के रूप में नापी जाती है। ध्वनि से शब्द और शब्दों से अर्थ बनते हैं, यानी पहले ध्वनि से शब्द बनेंगे और फिर शब्दों से
अर्थ बनते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा आई है, इसको बहुत इजीली समझना, जो बाकी नहीं समझ में आएगा वो जूम मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही है।